दोस्तों डोहरिया गांव के जंगल में दीपावली की रात में गोकोशी हुई थी, जिसमें बजरंग दल के जिलाध्यक्ष ने हल्का दरोगों को हटाने की मांग की है। घटनास्थल का जायजा लेने एडिशनल एसपी संसार सिंह व सीओ अतुल कुमार पांडे भी मौके पर पहुंचे। दीपावली के त्योहार पर रात में रविवार को पटवाई थाना क्षेत्र के डोहरिया गांव के जंगल में कुछ अज्ञात लोगों ने 3 पशुओं का वध कर दिया। इसी गांव का रहने वाला राजकुमार अपने दोस्तों के साथ अपने गांव के जंगल में सोमवार सुबह शौच करने के लिए गया हुआ था। उसने देखा कि ईख और गेहूं के खेत में 3 पशुओं के सिर कटे हुए पड़े थे और खून दिखाई दिया। वहीं राजकुमार ने इसकी सूचना पटवाई थाना प्रभारी हरिओम सिंह को दी। सूचना सुनकर थाना प्रभारी मय पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। सूचना सुनकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना जिलाध्यक्ष अमृत कौर को दे दी। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष भी घटना स्थल पर पहुंच गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पटवाई थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मौके पर शाहबाज सीओ अतुल कुमार पांडे भी मौके पर पहुंच गए। मामला तूल पकड़ गया और सूचना सुनकर रामपुर के एडिशनल एसपी संसार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। वहीं बजरंग दल के जिलाध्यक्ष अमृत कौर ने हल्का दरोगों को हटाने और पटवाई पुलिस पर गोकशी करने वाले लोगों से मिली भगत का आरोप लगाया है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पटवाई पुलिस के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। इस घटना को देखते हुए शाहबाद के सीओ अतुल कुमार पांडे ने जिलाध्यक्ष अमृत कौर को और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं से 15 दिन का टाइम लिया है। बताया कि 15 दिन के बीच गोहत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पिछली दीपावली की रात में भी इसी थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव के जंगल में एक सांड और 2 गाय का कुछ अज्ञात लोगों ने वध कर दिया था, जिसका पटवाई पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी भी इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। खबर लिखे जाने तक पटवाई पुलिस सोमवार की सुबह से ही गोकशी करने वाले आरोपियों की सुराग में लगी हुई है। पटवाई थाना क्षेत्र में पड़ता है, कोई कभी कार्यवाही नहीं हुई भाई साहब। आज ये 15 दिन के बाद त्योहार हो चुका है भाई साहब, आप देखिए फिर ये घटना। भाई साहब कह रहे हैं पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग सामने घटना है, पेट्रोलिंग के समझ में नहीं आया कैसी पेट्रोलिंग है ये पूरी तरह पुलिस की लापरवाही का नतीजा है भाई, और कुछ नहीं। अगर 15 दिन पहले की घटना आज खुल गई होती तो शायद ये दूसरी घटना नहीं होती। आपको मेरी बातों का बुरा जरूर लग रहा होगा, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, बिल्कुल ये मगर ये जनभावना को देखते हुए भाई साहब आप इसको समझिए, बिल्कुल ये इस पे मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग इसको पूरी कोशिश करेंगे। 15 दिन में ये उससे पहले पहले ज्यादा इसलिए टाइम दे रहे हैं, अच्छी कार्रवाई ज्यादा, आपने मुझे बहुत अच्छे काम की उम्मीद है, बिल्कुल इस पे अच्छी कार्रवाई होगी। मुझे खुद बड़ा वो लग रहा है, दोनों नाम बताइए, दोनों इनसे किस किस किन के आप नोट कर लीजिए, कागज निकाल के नोट कर लीजिए आप। हाँ दो 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 उस्मान जो जो किसा किसा उस्मान और जागेश्वर दो दो बताइए, जांच करवाइए, जो भी तत्काल कार्रवाई उनके ऊपर बने आप वो करवाइए। नाम लिखवाइए, नाम बताओ कौन कौन है। उस्मान और जागेश्वर बहुत ही ज्यादा वो समझ लो, हल्का इंचार्ज के प्रति तो बहुत ही रोष है भाई साहब, इतना रोष है कि बेसाब रोष है। ये चीज आप लोग पहले बताते हमको ना, कोई समस्या थी बातें पहुंच नहीं पाती, कार्यकर्ता हमारा शिकायत करता है मगर आप तक बातें नहीं पहुंच पाती। ये बात सही है।